तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो हुआ ऐसा कि कल इतना खतरनाक तूफान आया रात को, बाप रे क्या बताऊँ, लाइट वाइट भी चली गई थी, जिस वजह से देखो ये सब गिर गया। ये जो नारियल का पेड़ है ना, इस नारियल का पेड़ का पत्ते गिर गए, देखो इतना खतरनाक हवा आया था कल। इस नारियल के पत्ते का ना ये जो है इसका झाड़ू बनता है, इस डंडे का ही, इसको ऐसे निकाल के इसको ऐसे करके इसका झाड़ू बनता है इस डंडे का। हम बना के किसी दिन आपको दिखाएंगे, लेकिन आज मानसी जय मसीह हाथ जोड़ के इधर जय जय मसीह बोलो, गुड गर्ल। तो हम आज क्या करेंगे, हम आज जा रहे हैं माँ के घर में, वहाँ से कटहल तोड़ के लेके आएंगे, जैक फ्रूट। अभी अभी जो सीज़न है अभी इस वक्त जैक फ्रूट छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, कच्चे होते हैं, और इस कच्चे टाइम में क्या होता है कि उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। और जो जैक फ्रूट है यानी कटहल, वो खाने में बहुत अच्छा होता है और बहुत पौष्टिक भी होता है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्या क्या सीएम होता है, वो सब हम जाएंगे तोड़ के और उसकी सब्ज़ी बनाएंगे और खाएंगे, माँ को भी देंगे। और एलेक्स को देखो, जय मसीह एलेक्स, जय मसीह एलेक्स। ठीक हो चुका है अभी, इसको शायद सर्दी जुकाम था, तबीयत सब खराब था, ठीक हो गया है। देखो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है, मैं जा रहा हूँ बेटा। जय मसीह गंगा, जय मसीह, जय मसीह। हाँ उसको अभी मत तोड़ना बेटा, हम जाएंगे चल लेने। तो चलते हैं कटहल की सब्जी लेने, ओ कटहल तोड़ने। तो हम आ चुके हैं, जय मसीह मम्मी, जय मसीह। तो यहाँ पर देखो कितना सारा कटहल है, जैक फ्रूट, ये तो एकदम पास पास में है लेकिन काफ़ी छोटे हैं, ये देखिए ये काफ़ी छोटा है, इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। कौन सा वाला गिराऊं? ऊपर है, हाँ वो उधर, ये वाला है ऊपर, मैं गिराऊं ये तो। मंच इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, सिर पे लगेगा, ऊपर आ जा ऊपर। यो वो उधर फूल वाला तो बड़ा है ना, ये साइड का, ये हाँ हाँ ये वाला, ये वाला देखना, उसका वो गूंद ना लग जाए, गिरा दे नीचे, गिरा दे, आ जा नीचे। मानसी, मानसी, तो ये वाला गिराया है, इससे इससे होगा, मम्मी को भी पहुंच जाएगा, मम्मी को भी सब्जी बना के देंगे, सरसों डालना इसमें, सरसों डाल के बनाएंगे। मानसी मत, पानी मत कर, गंदा है। तो इसका ना ऐसे निकलता है, देखो वाइट वाइट, इसे हम लोग की भाषा में चोप बोलते हैं। अरे कहाँ लेके जा रहा है, ये देखो चोप बोलते हैं इसको, ऐसे निकलता है इसका। तो ये हाथ में लग जाएगा ना, गोंद की तरह चिपक जाएगा, अगर कपड़े में लग जाएगा तो फिर दाग बैठ जाएगा, दाग जाएगा नहीं इसका। ये प्लास्टिक मालूम, चलो इसमें डालते हैं, लेके जाते हैं पका के, फिर माँ को भी बना के देंगे। तो चलते हैं अभी घर, बनाएंगे जैक फ्रूट। तो अभी कटिंग चल रहा है, तो इसको जो ये है ना, इसका ऐसा कवर निकाला जाता है, तो इसका ऐसा बाहरी कवर निकालते हैं ऐसे काट के कटहल का। इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन इतना इस हाथ पूरा ऐसा हो जाता है, ज़रा दिखाना हाथ, देखो हाथ पूरा चिपचिपा सा हो जाता है, वो जो था ना उसमें गम जैसा, देखो ये देखो पूरा चिपचिपा, इसको फिर ना हाथ मिट्टी के तेल से हाथ धोना पड़ता है तभी जाके निकलेगा, वरना निकलेगा नहीं। ऐसा काट के इसको रखेंगे, इसका पूरा कवर निकाल के और पानी में ऐसे डुबा के धोते जाएंगे, और इसको छोटा छोटा पीस बनाएंगे ऐसे, फिर इसको हल्का बॉईल करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का बॉईल करेंगे तो और अच्छा होगा टेस्ट।
ये इसके जो रेशे होते हैं कटहल के, ये देखिए बिल्कुल मीट के जैसा होता है, मीट के जैसा रेशा। तो जो आदमी मीट नहीं खाता ना, उसके लिए मीट बराबर है ये। इसके रेशे बिल्कुल एकदम, सब्जी भी बिल्कुल मीट के जैसा होता है। मैं दिखाऊंगा आपको जब पक जाएगा ना तब। तो अभी कटिंग चल रहा है, काट ले गंगा जी, उसके बाद में अब पकाने के टाइम में हम कैसे बनाएंगे हम दिखाते जाएंगे। बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी। देखो इसके रेशे देखो, जब ये देखो बिल्कुल मीट के जैसा, मीट का रेशा भी बिल्कुल ऐसा होता है, चिपचिपा हो रहा है, देखो चिपक रहा है। हाथ धोना भी जाता नहीं है पानी से, इसको ना मिट्टी के तेल से हाथ धोना पड़ेगा तभी जाके जाएगा। तो इसमें क्या क्या मसाला जाता है कटहल की सब्जी में, ये देखिए, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज और सरसों, और ये है जीरा और आलू। आलू डालने से उसका ना थोड़ा ग्रेवी अच्छा बनता है, और मीट मसाला, और फिर गरम मसाला भी डालेंगे। ये सब डाल के हम बनाएंगे। ये मानसी और एलेक्स के लिए अलग से, हम मानसी और एलेक्स को भी कटहल की सब्ज़ी खिलाएंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा पोटेशियम, मिनरल, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, पोटेशियम वगैरह, ये चिपक रहा है हाथ में। तो मानसी और एलेक्स को भी खिलाएंगे। और हाँ, सूखी मिर्च भी पीसा है और इसको हल्का सा बॉईल किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा बॉईल करने से ना फिर इसका टेस्ट चला जाएगा ना, तो हल्का सा बॉईल किया है, ज़्यादा नहीं। ये सब यहाँ पर देख लीजिए रेडी है, प्याज च्याज, मीट मसाला, आलू, टमाटर। ये मानसी एलेक्स के लिए बिना मिर्ची, इसमें मिर्ची नहीं डालेंगे। और मसाला पीस लिया है, जो मसाला था सरसों और हल्का सा जीरा, और यहाँ पर और अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद में कुकर में डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे। तो तेल गर्म हो चुका है, अभी प्याज डाल देंगे, प्याज ब्राउन हो चुका है, अभी डाल देंगे टमाटर, गया नमक, हल्दी, और अभी जा रहा है अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और सरसों का पेस्ट, और जीरा भी है। और अब जाएगा इसमें गरम मसाला, ये गया गरम मसाला, तो अच्छे से पकाएंगे मसाले को। तो अभी मसाला पक चुका है, और अभी हम डालेंगे इसमें कटहल, जैक फ्रूट और आलू। तो इसमें अभी डाल रहे हैं कटहल, कढ़ाई जो है वो छोटी पड़ रही थी, तो इसीलिए हम लोग कुकर में डाल के पका देंगे। अभी मसाला तो पक चुका है, तो अभी इसको अच्छे से डाल के, हल्का पानी डाल के 3 सीटी लगा देंगे, एकदम कम आँच में। कम आँच में पकाने से क्या होगा, नरम बनेगा एकदम। तो उसको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको सीटी लगा देंगे। गिर गया, इसको देखो, मुझे बुला रहा है, मुझे बोल रहा है निन्नी, मतलब नींद आया इसको, सुला बोल रहा है, एलेक्स नींद आ गया, निन्नी निन्नी, रुक जा। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसके बाद में 3 सीटी लगा देंगे, और अभी मिलता हूँ डायरेक्ट खाने के टाइम में, क्योंकि इसको थोड़ा मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर एकदम पक चुका है, देखिए देखने में बिल्कुल मीट जैसा लगता है, देखिए मीट के रेशे जैसा, सेम मीट जैसा होता है। और ये मीट मसाला वसाला डाल के बनाया, बहुत टेस्टी हुआ है, सेम मीट। तो अभी चलते हैं माँ को देने, गंगा ने, मेरी वाइफ ने सब पैक करके रखा है, तो माँ स्कूटी भी रेडी है, माँ को दे के आता हूँ। अरे स्कूटी का चाबी भूल गया, चाबी लेके आता हूँ। तो अभी चलते हैं माँ को देने, मेरी वाइफ ने सब रेडी करके रखा है स्कूटी के अंदर। देखिए यहाँ पर माँ को देके आते हैं, चल। पहुँच चुका हूँ माँ के घर में। ए सोफी क्या कर रही है, सोफी
देखो कैट भी है हमारी, इसके पेट में बच्चा था, अभी दिया 3 बच्चा। ये दोनों ना लड़ते नहीं हैं, सोफ़ी और ये पुसी, देखो साथ में देखो लड़ते नहीं हैं दोनों। ये देखो इनका प्यार, बोलते हैं कुत्ते बिल्ली बहुत लड़ते हैं लेकिन ये लोग नहीं लड़ते। मम्मी ये सब्जी, मोनिका दीदी क्या हुआ? कुछ भी नहीं, टेंशन हो गया। तो सब्जी इधर रख देते हैं, इसके अंदर लेके आया मैं सब्जी। हजूर ये मम्मी का बर्तन। मानसी के लिए फल लेके रखी थी मम्मी ने, अंगूर, अंगूर है इसके अंदर, यहाँ पर अनार और यहाँ पर केला, पुदीना और टमाटर भी दिया है। तो चलते लेके मानसी के लिए। तो अभी माँ को देके आ गया मैं। तो अभी हमारा ये देखिए कटहर, कटहर की सब्जी, कटहल, देखने में बिल्कुल मीट के जैसा रहता है इसका, देखिए रेशा भी, इसका जो रेशा रहता ना वो भी एकदम मीट के जैसा। तो चलिए, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी बड़ी बड़ी धन्यवाद तुम्हारे सारा दर ईश्वर प्रभु ने प्रार्थना करते आमीन। तो प्रार्थना भी हो गया है, तो अभी खाते हैं कटहल की सब्जी एंड राइस एंड बेंगसाग, बेंगसाग। मानसी को अभी खिला देना, वो कुछ ना कुछ खाती रही, खा ही रही है सुबह से फल वल। गंगा भी खा रही है इधर, चलिए खाते हैं। टेस्टी हुआ है, मीट, गरीबों का मीट। लेकिन ये मीट से अच्छा है, जहाँ जानते हैं मीट में खाली प्रोटीन होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीस और पता नहीं क्या 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 क्या। नमक थोड़ा कम है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से डाल लेंगे। टेस्टी बनाए, अच्छा बनाए। कटहल मुकबैंग। कटहल बुक बैंग। तो आलू भी डाला था हमने, अचार, मूला का अचार, मूली हमारी भाषा में मूला। कटहल बुक बैंग। मैंने बच्चा को देखा, बच्चा लोगों को, तब गंगा ने बनाया, फिर भी इतना लेट हो गया। कितना बज गया अभी? ढाई बजे। ढाई, ढाई बजे नहीं, ज़्यादा हो गया। टाइम देखो तो, कितना बजा? 2:53। 3 बजने वाला है। एलेक्स उठ गया, और तुम देखो तो। मीट, बिल्कुल मीट के जैसा हुआ टेस्ट, क्योंकि मीट मसाला, गरम मसाला, ये सारा चीज डाला ना, तो बिल्कुल मीट के जैसा।
मानसी खाना नहीं खाएगी? निकल गिर गए, देखो उसके इधर लगाया, दिखा तो होंठ में, ये देखो पूरा रात भर दिन भर रोई है। खाना खाएगी? बैठ, क्या कर रही, ऐसा मत कर, बदमाश नहीं, बदमाश नहीं। मेरा कहाँ पर है बोल रही है, रुक अभी मम्मी देगी। एलेक्स उठ गया, हंस रहा है। सुसु किया एलेक्स? हाँ सुसु किया क्या एलेक्स? रुक अभी मम्मी देगी, रुक। हाँ मेरा हाथ भी गंदा है, क्या करूँ। मीट जैकफ्रूट वेजिटेबल, क्या हो गया? तो खैर आप लोग भी बनाइए, खाइए, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय मसीह की। अभी मानसी को भी खिलाना पड़ेगा।